नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत की मानवीय संसाधन मंत्री स्मृति रानी, वो भी अपनी कर्मभूमि अमेठी से। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। धन्यवाद प्रभु। पहला इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ अपने। अरे बाप रे, मेरे लिए मेहरबानी करना, मुझ पे मेहरबानी कीजिएगा। जितना तीखा तेवर आज तक मैंने देखा है उससे आज कम से कम मुझे वंचित कीजिएगा, मैं अन्याय की गुहार नहीं लगाऊंगी। मीटिंग में इतनी बार आती है, उससे कम तो आप ससुराल जाती होंगी। अब दर्शक शायद आपके नहीं जानते कि आप भी मुझे तंज कसते हुए बहुरानी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लोग दीदी बुलाते हैं, तो ये ससुराल कैसे हुआ? ठीक है, वही ससुराल। मैं इतना ही कहूंगी प्रभु जी कि आज से 2 साल पहले आप यहीं आए थे मेरा एक इंटरव्यू करने के लिए, और आज आप 2 साल बाद लौट रहे हैं। कम से कम आपने ये तो देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में आज भी वही उमंग है, वही उत्साह है। तो चाहे मायका हो या ससुराल, बेटी जहां पर भी सम्मान पाए उस बेटी के लिए तो ये एक हर्षोल्लास का ही विषय। अमेठी में इतनी बार आती है, यहाँ का सपना होगा ना आपके दिमाग में, क्यों आती है अमेठी? मैं 2 साल पहले जब यहाँ आई तब तो मैंने जनता से वादा कर रही थी तब कि हारूं या जीतूं आपके मध्य में मैं रहूंगी जरूर, क्योंकि यहाँ की जनता को जिस प्रकार की राजनीति के दृश्य देखने को मिले उसमें एक परिवार वादा करता और 5 साल बाद उस वादे को वापस दोहराने के लिए लौटता, लेकिन उस 5 साल के अंतराल में कहीं विकास के मुद्दों पर अथवा कामों को लेकर लोगों के मध्य में दिखाई नहीं देता। तो क्या अमेठी का विकास करने के लिए आ रही है, राजनीति करने? प्रभु जी, मैं यहाँ से जीती नहीं हूँ, तो अगर मैं यहाँ लौट रही हूँ तो विकास के लिए ही लौट रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो जो जीता है वो भी इतना नहीं लौटता जितना मैं आती हूँ। आपको लगता होगा ये जो अमेठी है और रायबरेली है ये गांधी परिवार का गढ़ है। एक ही बार गांधी यहाँ से आ रहे हैं 1977 में जी, उसके बाद यहाँ से कभी कोई गांधी हारा नहीं है, और आपने भी बहुत कोशिश की कम मार्जिन से आप हारी, परंतु आपको लगता है कि आप चुनाव करेंगे नहीं? अगर आप पहले तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगी इसका निर्णय मेरी पार्टी करेगी। दूसरा ये कि अगर 20 दिन के अंतराल में मैंने इतना बड़ा मार्जिन राहुल गांधी का कम कर दिया, वो इस बात का संकेत है कि लोगों का उनके प्रति कितना आक्रोश रहा होगा। तीसरी बात, ये सत्य है कि गांधी परिवार एक बार यहाँ से हारा, लेकिन ये भी सत्य है कि आज जब मेरी सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं तब यहाँ का जो विश्राम गृह है, बस स्टॉप भी है शेल्टर वाला, छाया देने वाला, उसका भी पहली बार उद्घाटन 70 साल में भाजपा की कार्यकर्ता कर रही है। आज आपने काफी यहाँ पर उद्घाटन किए, विश्राम गृह के किए। मैं हर बार आती हूँ तो कोई नया प्रयास करती हूँ लोगों के। तो आपको लगता है केंद्र सरकार के फंड से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? देखिए, आज हमने एक सेवा न्यास के माध्यम से जिसमें कोई सरकारी फंड नहीं था उसके माध्यम से हमने करीबन 4,500 लोगों का हेल्थ चेकअप किया। करीबन 1,000 से ज्यादा लोगों को जो दिव्यांग है उनको अलग अलग प्रकार के यंत्र दिए, या तो ट्राईसाइकल दिया या बैसाखी दी या कान का कोई मशीन दिया। तो ये सेवा न्यास का सरकार से कोई सरोकार नहीं है। स्मृति, आप इतनी सेवा कर रही हैं, हर बार लगभग 2 महीने में या 1 महीने बाद आ जाती है, उससे ज्यादा मैं आप बहुत जगह में बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन क्योंकि अमेठी केंद्र बिंदु है, मीडिया की दृष्टि से भी एक आकर्षक स्थल है, इसलिए मेरा काम यहाँ का दिखता है। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैंने आज तक 60 बच्चे ऐसे हैं जिन जो वोट तो देते नहीं, लेकिन उनकी पूरी शिक्षा का पूरा प्रबंध मैं करती हूँ। जब मैं मंत्री नहीं थी तब भी कर रही थी, यहाँ के नहीं, देश में, देश भर में मैं कर रही थी। ठीक है, वो आप मैं मुझे याद है कि मैं पहले एक बार मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट की थी और उसमें मुझे जितनी राशि मिली थी उससे मैंने 20 गांवों में पानी की व्यवस्था कराई। अब तब वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, बार बार आती है कि आपको राहुल को हराना है। मुझे लगता है राहुल गांधी जनता की आंखों में हार चुके हैं। अगर वो जीतते, ये तो उनका कंफर्टेबल, ये तो उनका बैस्टियन है ना। जब आते हैं उनके यहाँ भीड़ होती है? नहीं, नहीं होती। आप आइएगा अगली बार, देखिएगा, नेशनल वॉइस को दिखाइएगा, यहाँ नहीं होती भीड़। आप मेंटली लोगों भीड़ नहीं होती। दूसरा, दूसरी बार नहीं जीतेंगे, आपको लगता है अगली बार नहीं जीतेंगे? मेरा ये मानना है कि अगर उनमें वाकई में इतना मादा होता पॉलिटिकल, तो वो कंफर्टेबल सीट से क्यों लड़ते हैं? पॉलिटिकल साहस तो वहां से दिखता है जब आप एक अनकंफर्टेबल जोन में जाए। है आपके जब तो वही तो कह रही हूँ, कभी हराया जनता ने, आप कहते हैं विकास नहीं हुआ। मैं वही तो कह रही हूँ, अगर यहाँ पे रिश्तों की दुहाई देकर वोट मांगा गया, कहा गया कि हमारा परिवार का बड़ा रिश्ता है यहाँ से,
तो परिवार आज तक ना विश्राम गृह दे पाया ना बस का शेल्टर दे पाया। इतना क्या योगदान है गांधी परिवार का? मैं पूछ रही हूं, अभी भी मैं आपसे पूछता हूँ, भक्त की बात नहीं है। 3 लाख लोगों ने तो मुझे वोट दे दिया अभी इस दिन में, जिनका मुझसे कभी कोई परिचय नहीं था। यही बात आ रहा है ना, वो भी इमरजेंसी की वजह से। अरे भाई जब, लेकिन मैं खुद 20 दिन में 3 लाख वोट ले गई, इसका मतलब क्या हुआ? 3 लाख लोग हैं गांधी बैस्टन में जो राहुल गांधी को नहीं मानते। आप 2 साल छोटी संख्या, आज आइए कल भी आप जा रही है गोरखपुर कहीं और जा रही है, तो 2 साल के अंदर अगर आप मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएं जो यूपी से संबंधित हो या राष्ट्र से भी जुड़ सकती है, क्योंकि अमेठी से आपने बहुत कुछ किया होगा लग रहा है मेरे को। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि अब जो न्यूनतम पेंशन हो वो सबको 1000 रुपये मिले, कहीं 50 रुपये मिलती है, कहीं 200 रुपये मिलती है, कहीं 300। उन्होंने कहा आज से, आजकल उससे गुजारा नहीं होगा, तो न्यूनतम आप 1000 रुपये कीजिए। लेकिन आज जब मैं दिव्यांगों के बीच गए, उन्होंने कहा दीदी आज भी 300 रुपये देते हैं, वो भी रुक रुक के देते हैं। अब मैं जाके दोबारा अपील करूंगी कि भाई जब हम राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर चुके हैं कि 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन है, तो आप प्रदेश में इस जिले में उस सुविधा को क्यों नहीं पहुंचा रहे? सबसे बड़ी एक, अगर आप मुझे आर्थिक दृष्टि से बात करें, तो आपने भी, आप तो बहुत विख्यात जर्नलिस्ट, आपने वो समय देखा था जब एक कांग्रेस के नेता ने ऊंचे स्वर में कहा दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। मतलब सार्वजनिक ऐलान था कि जी इस देश में आप मान के चलिए कि बिचौलिया वो 90 पैसे खा जाएगा। अब हमने शुरू किया जनधन योजना। पहले अगर आप कोई गरीब को बोलें कि बैंक अकाउंट खोलो, तो बैंक कहता था भाई न्यूनतम कोई डिपॉजिट तो दो। अब हमने कहा कि बिना किसी डिपॉजिट के आप गरीब का खाता भी खोलिए। 30,000 करोड़ रुपया उसमें आया, जिसमें सामान्य लोगों ने अपनी ओर से योगदान किया। वो अपने आप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति एक विश्वास दिखाता है। नरेंद्र भाई ने कहा कि क्या ये संभव है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है वो अपनी गैस की LPG की सब्सिडी छोड़ दें। 1 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। अब ये लोग वो हैं जिन्हें चुनाव के बाद छोड़ा और अपनी सुविधा छोड़ी। देखिए राजनेता के लिए कोई अपनी सुविधा नहीं छोड़ता। ये 1 करोड़ लोग, मतलब उनके घर में कम से कम 4 लोग तो होंगे ही। 4 करोड़ से 5 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देखते हुए काम किया ना, वो अच्छे उन्होंने। मैं आपको, लेट मी गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमने मुद्रा योजना की शुरुआत की, घोषणा की। सामान्य व्यक्ति अगर जाए बैंक से लोन मांगे तो उससे गारंटी कोलैटरल मांगा जाता है, भैया जेवर रख दो गिरवी, नहीं तो खेत या घर गिरवी रख दो। हमने मुद्रा योजना में कहा कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक की राशि आपको मिलेगी अगर आपके प्रपोजल में वो इकोनॉमिक दम है। आज प्रभु जी उस, अगर आप आंकड़ा देखें तो 79% लोन महिलाओं को मिला है। इसका मतलब क्या है कि उस महिला में जो सामान्य परिवार से होगी उसमें कितनी क्षमता होगी कि वो गई होगी एक प्रपोजल रख के उसको डिस्कस करके फिर अपने लिए लोन लाई होगी, स्कीम लाई। तो एक वो महिला की क्षमता को प्रदर्शित करता है। दूसरा, हम बैंकिंग सेक्टर में जानते हैं कि जहां जहां लोन महिला को दिया जाता है वहां 100% रिकवरी होती है। साथ ही जब आप जनधन योजना को देखते हैं कि 99% अब हिंदुस्तानियों के पास बैंक अकाउंट है। इसका मतलब अब बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्यादा लोग चाहिए जो उस अकाउंट को सर्विस कर सकें, ज्यादा प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इसका मतलब उन्हीं प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आप उस मात्र योजना के उस आंकड़े तक मत देखिए, उसका जो स्पाइरल इम्पैक्ट होता है वो आपको मैं दिखाऊंगी। आपकी योजना काफी अच्छी है, पर उसके बाद भी लोगों का कहना है कि आर्थिक व्यवस्था अभी उतनी अच्छी नहीं है, इतनी होनी चाहिए थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका सरकार, लास्ट सरकार यूपी की देखें 7.8% थी, उस लास्ट ईयर के अंदर कम हो गए थे, यहाँ पर भी 7 के आसपास हिसाब से कम नीचे है। उस इश्यू में नहीं पढ़ना चाहता, पर सवाल ये कि मुझे लगता है प्रभु जी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को माना गया है कि इस सरकार ने कॉन्फिडेंस ज्यादा है, नहीं नहीं, और देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर पहुंचाया है। जहां विश्व की कई ऐसी शक्तियां हैं जो आर्थिक रूप से इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं, ये सरकार कम से कम मायूसी के एक घेरे से देश को निकाल के स्वाभिमान की दिशा में ले गई नजर आ रहा है। पर एक सवाल ये, जैसे कई योजनाएं की अच्छी योजना है ना उनकी, पर उनका कार्यान्वयन जैसे होता है, जैसे ई रिक्शा आपने अमेठी में भी की कुछ और बाकी जगह भी हुई, हमने नोएडा में देखा कि ई रिक्शा वहां पड़ी हुई है, लेने वाला कोई नहीं है। आज तो प्रभु जी आप मेरे साथ चलिए, आपको ई रिक्शा हाथ में लेने वाला व्यक्ति भी नहीं मिल रही। नहीं, वहाँ ले गए फिर छोड़ गए लोग, क्योंकि आपकी सरकार जो है इतनी महंगी है वो। कहीं ना कहीं
प्रभु जी कहीं ठेकेदार उसको 200 रुपए में देता, आप कहते हैं 500 रुपए दे देंगे, तो कैसे? कहीं ना कहीं आपको हर एक अफसर को न सिर्फ एक सहूलियत की दृष्टि से आंकना है, बल्कि उस अफसर को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति उसे किस राह पर ले जाता है अथवा सफलता के शिखर पर पहुंचाता है कि नहीं, ये उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। 500 दे नहीं सकता ना, योजना अच्छी है। जैसे कि अब हम जो आज ई रिक्शा मैं दे रही हूँ, उसको हमने लिंक किया है मुद्रा योजना के साथ, जहाँ पे बैंक के साथ लिंक किया है, जहाँ पे बैंक कम से कम वो सहूलियत दे रही है, कम से कम हम वो अवसर दे रहे हैं जो आज तक उपलब्ध नहीं थे। नहीं, महंगा अवसर जो मैं उसके ये डिबेट करेंगे, क्योंकि स्कीम अच्छी है, अवसर महंगा है जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता कई जगह। पर मैं आपके अपने विषय पर आता हूँ, ये आपके ऊपर सबसे बड़ा काम था एजुकेशन का सुधार करना। स्मृति ईरानी पिछले 2 साल से एजुकेशन का सुधार क्या कर रही है, वहाँ लड़ाई कर रही है। नहीं, मैं जो सुधार के जो काम कर रही हूँ वो इतने बढ़िया हेडलाइंस नहीं बन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण मैं आपको उदाहरण देती हूँ। प्रभु जी, पिछली सरकार में एजुकेशन से संबंधित जब ग्रीवियंस आते थे छात्रों के, तो मेरे पास प्रमाण है इस बात का कि 251 दिन लगते थे एक शिकायत को समाधान में परिवर्तित करने का। मेरे मंत्रालय में अब एक शिकायत को समाधान में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम 15 से सिर्फ 30 दिन लग रहे हैं। दूसरा, पिछली सरकार में पूरी सरकार में ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब एक एक व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने का जो सफलता रेट था वो लगभग 60% था। मेरे मंत्रालय का सफलता रेट एक एक व्यक्ति, जिसको मैं प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सकती हूँ, 98% है। अगर हम आंकड़ों, मैं मौलिक, अभी मौलिक पे भी आ रही हूँ, एक तो मैं इस आर्थिक विषय पे आ रही हूँ। जितनी स्कॉलरशिप्स मिलती थी कम से कम उच्च शिक्षा में छात्रों की, उन सबको मैंने, पहले क्या होता था कि रेगुलेटर कहता था कि भाई यूनिवर्सिटी को भेज दो, उसके बाद यूनिवर्सिटी दे या ना दे उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मैंने कहा नहीं, छात्र की छात्रवृत्ति है तो आप डायरेक्ट उनका बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डालिए। और मैंने सुना है बंद कर दी गई है। मेरे 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 मंत्रालय के अंतर्गत वो नहीं आता है, बंद कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो सब डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। जी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, क्योंकि मैं कॉलेज में तो किया, वहां पर अभी तक छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है। नहीं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। शिक्षा की चुनौती क्या है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों के दायरे में आता है, तो कई जगह पर प्रदेश की सरकार अगर काम ढंग से नहीं कर रही होती, जवाब लोग मुझसे मांगते हैं, फिर उनको मैं तो मैं क्या करती हूँ फिर उनकी वो, आज जैसे मैं यहाँ अमेठी आई तो कोई बेचारा बच्चा आया इलाहाबाद से, उसकी कोई यूपी की संस्थान से कोई चिंता थी, मैंने कहा आप मुझे दे दो, मैं जाके दिल्ली जब खुद शिक्षा विभाग से उत्तर प्रदेश में बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि इसको सुधारिए। एक और आपको उदाहरण देती हूँ, मैं हिमाचल गई प्रवास में, हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी ने डिग्रीज ही नहीं दी थी, तो मैंने बोला कि मेरे अंतर्गत नहीं आता, लेकिन मैंने स्वयं फिर आग्रह किया, फोन करके डिग्रीज मिली। जम्मू कश्मीर में 6 साल तक जम्मू स्टेट यूनिवर्सिटी ने डिग्री नहीं दी, तब हमारी सरकार नहीं थी। मैंने फिर राष्ट्रपति जी से निवेदन किया, उन्होंने गवर्नर से बात की, फिर हमने दिलवाई। मैं कुछ और क्योंकि वाइस चांसलर राजस्थान में हमने, प्रभु जी 15 साल तक स्टेट में डिग्री रुकी पड़ी थी, वो दिलवाई।